नमस्कार दोस्तों, कोलकाता से प्रकाशित तीन हिंदी अखबार सन्मार्ग, वर्तमान पत्रिका और प्रभात खबर का पहला पेज का हेडलाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पुराना न्यूज़ देखने के लिए ये वीडियो का अंत में प्लेलिस्ट उपलब्ध है, उसमें क्लिक करिए। सन्मार्ग का पहला पेज का पहला हेडलाइन, पहले 720 रुपया बढ़ाए, अब 200 रुपया घटाए, और कह रहे ये रक्षाबंधन का उपहार है, असलीकरण। मोदी सरकार ने 9 साल में सिलेंडर का दाम 700 रुपया बढ़ा दिया। अब 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। कांग्रेस सस्ते सिलेंडर का दावा कर रही है, इसी कारण मोदी सरकार ने सिलेंडर सस्ता किया। आज मुंबई जाएंगी ममता, इंडिया की बैठक में होंगी शामिल, मिलेगी अमिताभ और जया से। काल और परसों इंडिया की अहम बैठक। कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी आज से 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर जा रही है। आज शाम सीएम अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक बिग बी ने मुख्यमंत्री को अपने घर पर चाय के लिए आमंत्रित किया है। रोवर ने की चंद्रमा पर ऑब्जर्वेशन की पुष्टि, बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को कहा कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रोग्राम पर लगे एक उपकरण ने चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव के पास सतह में गंधक होने की स्पष्ट रूप से पुष्टि की है। करोड़ों की सोना लूटकर भाग रहे डकैत मुठभेड़ के बाद पकड़े गए। 1 करोड़ का सोना, 3.70 लाख रुपये वो पिस्तौल बरामद। पुरुलिया में भी ज्वेलरी शोरूम से लूटे गए 4 करोड़ की आभूषण। कोलकाता, नदिया के रानाघाट थानांतर्गत शहर के एक ज्वेलरी शोरूम से करोड़ का स्वर्ण आभूषण लूट कर भाग रहे डकैतों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। पुलिस ने मामले में 5 डकैत को गिरफ्तार किया है, उनमें से 2 डकैत मणिकांत जाधव 19 और छोटू कुमार 20 पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गए। घायल दोनों डकैत के पैर पर गोली लगी है। वहीं बाकी 3 अभियुक्तों के नाम रिकी पासवान 18, राजू पासवान 19 और कुंदन सिंह 23 है। डीआईजी मुर्शिदाबाद रेंज शहीद मुनीर खान ने बताया कि अभियुक्तों के पास से 1 करोड़ रुपया के स्वर्ण आभूषण, 3.70 लाख रुपया नगद और 5 पिस्तौल, 2 बाइक और 26 कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डकैतों का गिरोह बिहार का है। ये था सन्मार्ग का पहला पेज का आखिरी हेडलाइन। अब वर्तमान पत्रिका, नामी ज्वेलरी शॉप की पुरुलिया और रानाघाट शोरूम में दिन दहाड़े डकैती, 10 राउंड फायरिंग, 22 करोड़ का गहनों की लूट। रानाघाट के लुटेरे दबोचे गए, पुरुलिया की डकैत की तलाश। रानाघाट के लुटेरे से गहने, कैश और हथियार बरामद किए गए। मौत की गोद में बैठा है दत्त कपूर। 500 से अधिक घरों में बारूद की गोदाम, 30,000 किलो विस्फोट पुलिस ने किया जब्त। अदालत से NIA जांच की मांग वाली याचिकाएं रद्द। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लुभाने लगे मोदी, सस्ते सिलेंडर से सियासत शुरू। LPG 200 रुपया सस्ता, राहत की राजनीति। उज्ज्वला सिलेंडर पर अब कुल 400 की रियायत, इससे पहले मार्च में हुआ था कीमत में बदलाव। जून 2020 से LPG पर नहीं मिल रही सब्सिडी। 75 लाख नए मुफ्त गैस कनेक्शन देने का किया प्लान। ममता की तंज, इंडिया के 2 बैठक में ही कम हो गए दाम, जल्द घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के भी दाम। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला अस्थाई। कब देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा, कराएंगे चुनाव सुप्रीम कोर्ट। CJI बोले 35A ने गैर कश्मीरियों के अधिकार छीने। बेबाक, मुंबई में आयोजित इंडिया की बैठक में शामिल होने निकले लालू। मोदी की नरेटी पर चढ़ने जा रहा हूँ, खड़गे हो सकते हैं इंडिया की कन्वेनर। इंडिया की बैठक के लिए आज मुंबई जाएंगी ममता। कोलकाता, महागठबंधन भारत की बैठक में शामिल होने के लिए तृणमूल नेता ममता बनर्जी आज बुधवार को मुंबई जा रही है। वो ये था वर्तमान पत्रिका का पहला पेज का आखिरी हेडलाइन।
आप प्रभात खबर। रानाघाट व पुरुलिया में ज्वेलरी शोरूम में डाका, करोड़ों की गहने ले गए डकैत। रानाघाट में पुलिस ने पीछा कर 5 करोड़ दबोचा। पुरुलिया में 8 करोड़ का गहनों की लूट का दावा। पुलिस ने कहा रानाघाट डकैत कांडों में बिहार के गिरोह शामिल, नकदी व जेवरात बरामद। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, 33 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। महंगाई पर मोदी सरकार का वार, रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपया सस्ता। 400 के गैस सब्सिडी अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी। 200 रुपया की गैस सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के पहले से ही मिल रही। 75 लाख नए LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में दिए जाएंगे। 10.35 करोड़ हो जाएगी अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या। 7680 करोड़ रुपया का बोझ पड़ेगा सरकार पर इस फैसले से चालू वित्त वर्ष में। कथाकार मधु कंकड़िया को श्रीलाल शुक्ल सम्मान। दत्तपुकुर विस्फोट कांड, हरकत में आई पुलिस ने जब्त किया पटाखों का जखीरा। 5 श्रमिकों के शव को गुपचुप दफनाया। दत्तपुकुर विस्फोट में मरने वालों 9 लोगों में मुर्शिदाबाद के 5 श्रमिकों के शवों को उनके आवास ले जाकर गुप्त तरीके से दफनाया गया। गाँव वाले को उसकी भनक तक नहीं लगी। मुर्शिदाबाद के सूती थाने क्षेत्र के जेरान शेख 52, अंदाज शेख 20, छोटन शेख 15, हबीब शेख उर्फ कॉलेज 40 और रानी शेख 20 दत्तपुकुर कारखाने में काम करते थे, जिनकी विस्फोट में मौत हो गई। एशिया कप आज से, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे KL राहुल। पहली बार नेपाल की क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में चुनौती देगी। 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीतने उतरेगा भारत। ईडी ने चक्र समूह के चेयरमैन पार्थ चक्रवर्ती को किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चिटफंड कंपनी चक्र समूह के चेयरमैन पार्थ चक्रवर्ती को सोमवार देर रात न्यूटाउन इलाका से गिरफ्तार कर लिया। बोले राज्यपाल, सभी को अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहना चाहिए, राज्य सरकार को सहयोग पर हर काम में नहीं। तो ये था प्रभात खबर का पहला पेज का आखिरी हेडलाइन। कल फिर नया खबर के साथ नया वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।